हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन जी के हब। आज हम देखने वाले हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 6 का पाठ 15, जिसका नाम है दस्तक। तो आइए चलिए बच्चों, वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पाठ 15, दस्तक। इसके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, कान पकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप लिखो ऑप्शन ए, एक ही बात को बार बार सुनना। प्रश्न नंबर 2 है, शीला के मन में परिवर्तन कैसे हुआ? तो आप भी ऑप्शन बी पर राइट लगाइए, सोनू के उपचार में सहयोग के कारण। तीसरा है, दूसरों की सहायता करने से कौन सी भावना का विकास होता है? ऑप्शन सी, परोपकार। अंतर्द्वंद की स्थिति कब उत्पन्न होती है? आप लिखिए ऑप्शन ए। पांचवे में ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में समाज आएगा, 7 में खारा, 8 में विश्वास, 9 में मुहावरा और 10 में भोपाल। अब 11 वाला देखिए, दिए गए मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाक में दम करना यानी परेशान करना। छोटी सी बात को बड़ा चाकर कहना, शीला हर छोटी सी बात को तिल का तार बना देती थी। नाक में दम करना, परेशान कर देना। राघव ने अपनी जिद पूरी करने के लिए अपने माँ की नाक में दम कर दी। 12वां है, उसका आंसर है, लेखक के त्रिवेंद्र जाते ही लेखक का पुत्र सोनू उसमें गिरकर मूर्छित हो गया था। आज उनकी संपत्ति वैभव कोई साथ नहीं दे रहे, लेखक ने कथन किसके लिए कहा था? प्रश्न नंबर 13 है ये। चौदह है, बालुका में शब्द का अर्थ जिसका वाक्य प्रयोग कीजिए। रेत से भरा हुआ गोवा का समुद्र का किनारा बालुका में है। 8 प्रत्यय का प्रयोग कीजिए, बौखलाहट, घबराहट। अब आइए लघु उत्तरी प्रश्न। शीला को उसाने पर वे देर क्यों रह गई? क्योंकि सोनू का समाज वहाँ के लोगों को करवा दिया था, इस कारण शीला दंग रह गई। महिला के पुत्र गणेश के तलवे में कील चुभ जाने के कारण महिला परेशान थी। प्रश्न नंबर 16-17 है, सुनीता में पत होने का क्या कारण था? सुनीता के पति हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे और परिवार पर ध्यान नहीं देते थे, इस कारण शीला की नाक में दम था। इस तरीके से मैंने आपका प्रश्न नंबर 18, 19, 20 तीनों कर दिए हैं बच्चों। आप देख के लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएंगे। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपन पार्ट 16 में फिर से। और आपको जिसका वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट्स में बताइए।